अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक कंप्लीट गाइड टू यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग दोस्तों यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है टू इन्वेस्ट इन एंड बहुत सारे लोगों ने जो पुरजो में पूछा है कि क्या करना चाहिए पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए बेचने के लिए क्या करना चाहिए क्या क्या चार्जेस हैं क्या क्या टैक्सेस हैं पैसे वापस कैसे लाएं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पूरा वीडियो इस पे डेडिकेट करूं सो दिस इज द कंप्लीट गाइड टू यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग इसमें मैं छह सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा नंबर एक कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी क्यों चाहिए हिंदुस्तान की मार्केट क्या गैर गुजरी है तो प फुलविंस यू विद डेटा की यूएस स्टॉक मार्केट एक इक्वली एक्साइटिंग इनफैक्ट मोर एक्साइटिंग ऑपरचुनिटी है टू इन्वेस्ट नंबर टू अगर आपको यूएस टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने इंडियन पैसे इंटरनेशनली यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ते हैं उसका प्रोसेस क्या है उसके चार्जेस क्या है उसको कैसे कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे नंबर तीन जब आपके पैसे वहां पहुंच चुके हैं देन हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट बाइंग यूएस स्टॉक्स कौन कौन से तरीके हैं कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए क्या स्टॉक्स का एक इक्विबिलेंट या म्यूचुअल फंड का एक इक्विबिलेंट है वो सब जानने की कोशिश करेंगे नंबर फोर जब आप स्टॉक्स खरीद चुके हैं किसी ना किसी पॉइंट पे आप उनको बेचना चाहेंगे देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द एस स्टॉक्स दैट यू ओन नंबर फाइव इन सब चीजों को करने के लिए चार्जेस क्या है टैक्सेस क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे एंड देन फाइनली नंबर छह जब वो पैसा आप वापस हिंदुस्तान अपने बैंक अकाउंट में बुलाना चाहते हैं तो उसको करने का क्या प्रोसेस है और चार्जेस क्या है इन छह सवालों के थ्रू आप वो हर एक चीज को जान पाएंगे जो कि आपके लिए जरूरी है टू स्टार्ट योर यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी सबसे पहला सवाल यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए आई स्टार्ट विद माई फैक्ट्स मेरे पूरे पोर्टफोलियो में 40 परसेंट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स तो परसेंट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स आर इन द यूएस स्टॉक मार्केट ये मैंने करीब ढाई साल पहले शुरू किया था एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड दैट क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न मिले हैं एंड आई हैव बीन एबल टू डू इट इन अ मैनर जहां इट इज जस्ट एज रिस्की और नॉट रिस्की एज द इंडियन स्टॉक मार्केट तो वॉलिटिलिटी को लेके बिल्कुल सेम है लेकिन ग्रोथ को लेके आप यूएस और इंडियन स्टॉक मार्केट को कंपेयर करना चाहते हैं सबसे पहला कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके लिए मैंसेक्स को लूंगा बेस्ट मेजर की हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है सेकंड यूएस का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है उसके लिए बेस्ट मेजर इज वॉट कॉल्डी इंडेक्स एंड नंबर तीन विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट की यूएसडी आई INR का कन्वर्जन रेट कैसे मूव कर रहा है क्योंकि आप अपना पैसा रुपयों से लेकर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं जब आप वो पैसा वापस लाते हैं तो वो उस मैंने क्या किया मैंने पहले पांच साल का एक ग्राफ लेने की कोशिश करी पांच साल के रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अप्रैल दो की डेट पकड़ी एंड सेंसेक्स जो है वो पांच साल पहले करीब 29365 पे था आज की डेट पे वो करीब करीब 60000 का है एंड दैट मींस अ रिटर्न ऑफ 101% मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है एसएनपी ऑन द अदर हैंड वो 5 साल पहले 2023 का था एंड अभी के कभी करीब साढे 45000 पे है ये इंडेक्स की वैल्यू है दैट मींस दैट हैज Grown एट 91% सो इट्स लेसर देन द इंडियन स्टॉक मार्केट लेकिन एक्सचेंज रेट को अगर आप देखेंगे साल पहले यूएस डॉलर जो था वो सिक्सटी फाइव रुपीज का था आज के डेट में वो करीब सेवेंटी सिक्स रुपीज का है। मतलब यूएस डॉलर भी जो है वो सत्रह परसेंट बड़ा है इंडियन स्टॉक मार्केट तो अगर आपने पांच साल पहले अपने रुपयों को कन्वर्ट किया होता डॉलर में तो आपने वो सिक्सटी फाइव रुपीज पे किया होता आज की डेट में अगर वो डॉलर आप वापस हिंदुस्तान लाएंगे तो आप वो सेवेंटी सिक्स रुपीज के रेट में लाएंगे वेन यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दैट एंड आप ये अपने आपसे पूछते हैं कि अगर मैंने एक लाख रुपए पांच साल पहले डाले होते तो आपको हिंदुस्तान में वो एक लाख के दो लाख रुपए मिलते हैं। दुगना विच इज नॉट बैड एट ऑल फिफ्टीन परसेंट एनुअल रिटर्न फॉर फाइव इयर्स, नॉट बैड एट ऑल लेकिन वही पैसा अगर आपने एस एन पी या यूएस स्टॉक मार्केट में डाला होता तो आपको दो लाख चौबीस हजार रुपए मिलते विच इज रिटर्न ऑफ एटीन परसेंट हर साल दैट इज द पावर ऑफ द यूएस स्टॉक मार्केट एंड दिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर अब जब आप ऐसा करते हैं प्लीज रिमेंबर एंड ये देशभक्ति की बात नहीं है इट इज समथिंग दैट आई टू स्ट्रेस अपॉन जब आप हिंदुस्तान में बैठ के यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वापस वो पैसा हिंदुस्तान लाते हैं देन द बेनिफिशरी ऑफ दैट इज हिंदुस्तान बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग मनी बैक इन टू द कंट्री सो वॉट यूर डूइंग एसेंशियली

तो मतलब 245 परसेंट रिटर्न 10 साल में एस एन पी जो था वो करीब 1400 पे था तो 220 परसेंट लेकिन उसी 10 साल में जो यूएस डॉलर है वो पचास रुपए से लेकर पचहत्तर रुपए हो चुका है इज का इंक्रीज विच मीन कि पिछले 10 साल में सेंसेक्स ने हमें करीब तेरह परसेंट एनुअल रिटर्न दिया है और यूएस स्टॉक मार्केट एस एन पी ने सत्रह परसेंट रिटर्न दिया है एंड दैट्स अ मार्क डिफरेंस इन द रिटर्न दिस इज द सिंपल रीजन

जिसमें ऑलमोस्ट आधा आधा यूएस में है और इंडिया में है एंड आई वुड लव फॉर यू टू डू दैट अब ये करने के लिए पहले ना ये सारा प्रोसेस बहुत ही मुश्किल का होता था बहुत पेपर वर्क होता था एंड बहुत महंगा होता था बट नॉट सो मच एनी मोर तो आते हैं दूसरे सवाल पे हाउ डू यू एक्चुअली मूव योर मनी फ्रॉम इंडिया टू द यूएस यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको हिंदुस्तान से इंडियन रुपीज को यूएस भेजना पड़ेगा एंड कन्वर्ट दिन टू यूएस डॉलर दिस हैपन्स अंडर समथिंग कॉल दी एल क्या रेमिटेंस स्कीम सरकार ये बोलती है कि कोई भी इंडियन सिटीजन एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब अप्रैल फर्स्ट से थर्टी फर्स्ट मार्च तक टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर हिंदुस्तान के बाहर भेज सकता है फॉर वर्पज दे नीड टू ये पर्पज हो सकता है एजुकेशन के लिए तो आप या शायद आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हो तो उनकी पढ़ाई के लिए यह हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे वो पब्लिकली लिस्टेड हो जो कि यूएस स्टॉक मार्केट है या प्राइवेटली लिस्टेड हो अगर मैं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूं जो कि यूएस है तो मुझे एल के थ्रू पैसे भेजने पड़ते हैं सो ऑन एंड सो सोफोर्थ सो इन अयर आपको सिर्फ एक डेक्लेरेशन देनी होती है एंड सरकार लिबरलाइज मैनर में आपको टू डॉलर्स या ऑलमोस्ट वन करोड़ रुपीज भेजने की इजाजत देता है विच इज अ लॉर्ड ऑफ मनी सो आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ अस विल गेट देयर एंड दिस इज फेयरली गुड फॉर us. अब पहले एल आर एस में पैसे भेजने के लिए बहुत ही कम्बर सम एक प्रोसेस होता था जहां आपको बैंक जाना पड़ता था डिक्लेयर करना पड़ता था कि क्या करना है क्यों करना है बहुत सारे कागजात भरने पड़ते थे डिक्लेयर फॉर्म्स वो सारी चीजें एंड इट यूज टू बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव सबसे पहला बैंक्स को पता था कि यार ये इंसान जो है ये यूएस डॉलर भेज रहा है तो होगा इसके पास तो दे यूज टू चार्ज अलॉड ऑफ मनी बैंक टू चार्ज एनी वेर बिटवीन थाउजेंड टू टू थाउजेंड रुपीज एवरी ट्रांसफर ऑफ आप कितना क्वांटम भेज रहे हैं तो आप पांच हजार डॉलर भेज रहे हैं वो तब भी आपसे दो हजार रुपए चार्ज करेगा आप हजार डॉलर भेज रहे हैं वो तब भी दो हजार रुपए चार्ज करेगा वो पांच सौ डॉलर भी भेज रहे हैं तब भी आपको दो हजार रुपए चार्ज करेगा सो इट वॉज फेयरली एक्सपेंसिव सेकेंड एक्सचेंज रेट्स जो थे वो ल्यूक्रेटिव नहीं थे देर इज यूज मैसिव स्प्रेड और अ डिफरेंस बिटवीन आप किस रेट पे यूएस डॉलर खरीद सकते हैं और किस रेट पे यूएस डॉलर बेच सकते हैं सो बिकॉज ऑफ टू टू थिंग्स इट रियली टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव सेंड मनी आउटसाइड लेकिन अब नहीं मैं अपनी यूएस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए आई एंड मनी यूज करता हूं एंड आई वुड लव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस विद यू ताकि आप ये सीख पाए कि कैसे यह प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है बहुत ही एलिगेंट है एंड इट इज नो कॉस्ट एट ऑल रियली नो चार्जेस Here is how it happens. तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पहले ही करीब 400 डॉलर ट्रांसफर करे थे ताकि मैं आपको पूरा वो बाइंग एक्सपीरियंस दिखा पाऊं लेकिन अगर मैं 100 डॉलर ट्रांसफर करना चाहता हूँ एंड द बेस्ट पार्टिस कि आप कितना भी छोटा अमाउंट कर सकते हैं बिकॉज नाउ इट इज जीरो कॉस्ट आई एंड मनी आपसे कुछ भी पैसा नहीं चार्ज करता है टू एक्चुअली मेक दिस ट्रांसफर हैपन सो लेट्स आई वॉन्ट टू चार्ज एंड मैं पांच हजार रुपये पांच हजार रुपये चार्ज करना चाहता हूँ सो इट वेरी क्लियरली शोज एक जीएसटी चार्ज लगेगा

किसी बैंक से करते तो आपको करीब करीब हजार रुपए और देने पड़ते ऑन द पांच हजार रुपए जो आप करना चाहते हैं इज so, तो कम ही है काफी, no charges, now, 2, मैं करता हूं. कि मेरे बैंक अकाउंट लिस्टेड है सो so मेरा एच डी एफ सी बैंक अकाउंट है विच इज ऑलरेडी लिस्टेड इन देयर सो आई कैन से यस And then all I have to do is, या तो UPI के के थ्रू थ्रू या नेट बैंकिंग आई कैन मेक दिस पेमेंट तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो मेरा पिछला वाला था थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी ये मैंने किया था सिक्स अप्रैल को शाम को छ बज के चालीस मिनट पे एंड यू विल सी कि सात अप्रैल को शाम को पांच बज के पचास मिनट पे ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे ये अकाउंट कौन सा है एस बी एम स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का एक अकाउंट है दैट एन डी मनी विल ओपन ऑन योर बिहाफ एंड दैट विल बी यूज फॉर यू टू बी फंडिंग योर यूएस बैंक अकाउंट जहां ये पैसा जाएगा दिस इज द वे दैट यू ट्रांसफर यूर मनी टू द यूएस बैंक अकाउंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अब सवाल नंबर तीन की जब आपका यह पैसा वहां पहुंच चुका है तो खरीदते कैसे है? अब हिंदुस्तान में अगर आपको स्टॉक्स खरीदने होते हैं, तो आप एक ब्रोकरेज अकाउंट बनाते हैं ब्रोकरेज कंपनी ड्राइव वेल्थ ड्राइव वेल्थ एक बहुत ही जानी मानी वेल स्टैब्लिश कंपनी है जो कि एक्ट करती है एज एन ऑनलाइन ब्रोकरेज फॉर ऑल इंटरनेशनल ब्रोकरेज तो आप ड्राइव वेल्थ के बारे में जितना पढ़ना चाहते हैं गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं इट्स अ वेरी सिक्योर कंपनी एंड द बेस्ट पार्ट इज की ड्राइव वेल्थ जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ब्रोकरेजेस को पावर करती है सो इट्स नॉट जस्ट विद आई money मनी बट इट्स बिजनेस इज टू डू दिस फॉर अलॉड ऑफ अदर कंपनीज तो जब आप आई money मनी से अपना इंडिया का पैसा यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और यूएस भेजते हैं

तो जब मैं टेस्ला के पेज पे जाऊंगा आई विल सी ऑल द डेटा दैट आई वॉन्ट कि एक दिन का क्या है तीन महीने का क्या है एक साल का क्या है सो ऑल द डिटेल्स आई कैन गो एंड चेक कि उसके स्टैट्स वगैरह क्या हैं, सो एवरी थिंग रियली नीड टू मेक अ परचेस बाय में आई विल गो इन नाउ दाउ इज द बेस्ट पार्ट यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर अलाउड है मतलब टेस्ला का एक शेयर एक डॉलर का है मतलब करीब करीब

पॉइंट थ्री एट जीरो थ्री सेवन फोर टू सिक्स शेयर खरीदूंगा आई विल प्ले द बाय ऑर्डर एंड द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली क्योंकि अभी मार्केट खुला नहीं है तो ये ऑर्डर जो है वो पार्क हो चुका है एंड जब ये मार्केट खुलेगा देन दिस ऑर्डर विल गो थ्रू एंड आई विल देन बी एबल टू हैव द ऑर्डर इन माई डैशबोर्ड अगर आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो यू विल सी टेस्ला क्यूड है सो so 390.07 का उससे पहले मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर चुका हूं सर टेस्ला एल्फाबेट क्लाउड फेयर अफर्म प्लीज ये रिकमेंडेशन नहीं है तो इनको बिना कुछ सोचे समझे मत खरीदिएगा दीज आर जस्ट स्टॉक्स दैट आई हैव हैव बॉट यू डोंट टू बाय देम प्लीज डू योर ओन रिसर्च बट दीज आर द एंट्रीज दैट आई हैव डन इन द पास्ट सो दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स एक वन क्लिक परचेस विच विल बी ट्रू फॉर एनी अदर रियली गुड प्रोडक्ट एंड दैट इज हाउ इट इज सिंगस अब नंबर फोर अगर यही स्टॉक्स आपने खरीद लिए हैं और आप आप इनको बेचना चाहते हैं तो बेचने का प्रोसेस क्या है लेट्स गो थ्रू दैट ऑल्सो तो बेचने के लिए फिर से आई विल गो ऑन सेल एंड आई कैन सी कि मेरे कितने स्टॉक्स टेस्ला के हैं तो 12.5873 क्योंकि ये फ्रैक्शनल हैं और मुझे फर्ज करिए 50 डॉलर के स्टॉक्स बेचने हैं सो so, या मैं भी बोल सकता कि मुझे शेयर में बेचने 0.048 या जो भी है पॉइंट जीरो जीरो मैं दस डॉलर के शेयर बेचना चाहता हूं पॉइंट जीरो प्लेस करता हूं एंड ऑर्डर इज प्लेस्ड सक्सेसफुली जैसे ही मार्केट खुलेगा खुलेगा जैसे मार्केट खोलेगा वैसे ही सेलर इन जस्ट वन क्लिक दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीमलेस प्रोडक्ट लाइक दिस अब एक सवाल जो बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं वो है कि यार यूएस स्टॉक में खरीदें क्या क्योंकि हमें तो यही पता है कि फेसबुक ले लो एल्फाबेट ले लो गूगल ले लो अमेजोन ले लो गुड थिंग ये सारे स्टॉक्स अब सभी ने भी अलाउ किए हैं कि हिंदुस्तान से भी ले सकते हैं बट देर लोड रियली गुड क्वालिटी स्टॉक्स स्टिल नॉट अलाउड इन द इंडियन मार्केट जो कि आप एक आई एंड मनी के प्रोडक्ट जैसे एक्सेस कर सकते हैं माई सजेशन विल बी दर आपके पास स्टॉक्स ऑलरेडी है जो आप जानते हैं आप खरीदना चाहते हैं बिकॉज यू सी द पोटेंशियल आपने पूरा रिसर्च किया हुआ एंड सो ऑन देन ऑफकोर्स डू दैट अगर नहीं है देन बाय द इक्विबलेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इन दू एस कॉल्ड ई टी तो उनपे अपना बेट करता है तो अगर आपको एक तरीके से यूएस स्टॉक मार्केट पर बैट करना है एंड आपको चिक चिक नहीं करनी की कौन सा स्टॉक कितना क्यों कैसे देन आप एस एन पी फाइव हंड्रेड का ई टी एफ खरीदिए वैन गार्ड का है वी ए एन जी यू ए आर डी वैन गार्ड का है एस एन पी फाइव हंड्रेड will एफ एंड दिस विल बी द बेस्ट वे फॉर यू टू एंटर दिस विल बी द बेस्ट एस आई पी टू ऑल्सो गो थ्रू क्योंकि अगर आप हर महीने पूरी शिद्दत के साथ यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये चिक चिक नहीं चाहिए कि कौन सा स्टॉक कितना रिसर्च क्या वो देन जस्ट कम बाय जितनी भी आपकी श्रद्धा है सौ डॉलर हो गए दो सौ डॉलर हो गए पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार रुपए जितने भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यू कैन डू दैट एज यू कैन सी इट्स फ्री फ्रॉम आई एन मनी तो आपको कुछ उसके लिए पैसा नहीं देना होगा प्लस यूल गेट इन टू द डिसिप्लिन ऑफ राइडिंग ऑन द बिगेस्ट मार्केट दैट द वर्ल्ड हैजू ऑफर अब नंबर फाइव ये सब चीजें करने के लिए टैक्सेस के क्या हैं एंड चार्जेस के क्या सीन है सबसे पहले चार्जेस आई एनडी मनी पे हर एक चीज फ्री है तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स इज फ्री ट्रांसफरिंग मनी इज फ्री सेलिंग तो मैंने बता ही दिया फ्री द ओनली चार्ज दू हैव टू पे जब आप पैसा वापस हिंदुस्तान लाते हैं देन आपको पांच डॉलर विड्रॉल फी देनी पड़ती है इन विच केस माय सजेशन विल बी कि जब भी आप हिंदुस्तान पैसा वापस लाना चाहते हैं तो प्लीज एक बल्क अमाउंट में लाइए कम से कम पांच सौ डॉलर ताकि जो पांच डॉलर है इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन और लेसर अगर आप पांच डॉलर से ज्यादा ला रहे होंगे

सबसे पहला कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल गेन टैक्स भी दो किस्म के हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब जो भी आपने मुनाफा कमाया उस पर वो शॉर्ट टर्म के लिए था तो आपको उस पर टैक्स देना होगा हिंदुस्तान में एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब्स तो जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब होगी उसी के आधारित आपको टैक्स देना होगा in India, एंड दिस बी समथिंग यू विल के फाइल कर रहे होंगे अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, और दो साल के बाद बेचते हैं मतलब आपने जो भी मुनाफा कमाया है वो लॉन्ग टर्म में कमाया है एंड उस पर जो टैक्स है वो ट्वेंटी परसेंट होता है फिक्स्ड दिस इज समथिंग यू विल अगेन हैव टू पे इन इंडिया

डॉलर मिलेंगे इन योर अकाउंट नाउ इज दैट ट्वेंटी फाइव डॉलर लॉस्ट नहीं ये ट्वेंटी फाइव डॉलर आप ही के हैं ये सिर्फ विडहेल्ड किए गए हैं जैसे कि टीडीएस हिंदुस्तान में विडहेल्ड किया जाता है तो जब आप अपना रिटर्न इवेंचुअली फाइल करेंगे तो वो जो पच्चीस डॉलर है आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं बिकॉज देर इज अ ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड इंडिया अराउंड दिस टैक्स इन समरी डिविडेंड टैक्स 25 परसेंट लागू होगा विदहेल्ड किया जाएगा मतलब आपको सिर्फ 75 परसेंट मिलेगा ऑफ द डिविडेंड यू विल गेट लेकिन जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो वो जो 25 परसेंट विदहेल्ड हुआ है वो आपका ही है एंड आप उसको क्लेम कर सकते हैं एज टैक्स यू ऑलरेडी पेड एग्जैक्टली लाइक टी हिंदुस्तान में कैसे काम होता है दीज आर दी ओनली कॉस्ट दैट यू नीड टू बेर इन माइंड इसके अलावा एक और चीज है विच बहुत कम लोगों पे होपफुली लागू होगी बट इज इंपॉर्टेंट टू नो अगर आप किसी भी पॉइंट पे सात लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम इंडिया टू द यूएस तो आपको एक पांच परसेंट टीडीएस जमा करना होता है विच मींस अगर आप सात लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका पांच परसेंट मतलब पैंतीस हजार रुपए का टीडीएस अलग से लगेगा दिस अगेन विल बी समथिंग दैट इज योर्स जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो इस पांच परसेंट को आप क्लेम कर सकते हैं लेकिन यह सरकार का एक तरीका है रिजर्व करने का ऑफ टैक्सेस दैट यू विल इवेंचुअली बी पे दिस इज नॉट अ कॉस्ट बट समथिंग दैट यू हैव टू बेयर इन माइंड फाइनली सब कुछ हो चुका है पैसे बन चुके हैं अब ये पैसे वापस हिंदुस्तान आएंगे एंड एज आई सेड दी ओनली कॉस्ट दैट यू हैव टू बेयर विच इज एप्लीकेबल एज ऑफ टूडे अप्रैल 2022 ये शायद कॉस्ट और कम हो जाएगा जैसे कि हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको पांच डॉलर देना होगा इन ऑफ द अमाउंट दैट यू आर ट्रांसफरिंग बैक तो चाहे वो सौ डॉलर हो पांच सौ डॉलर हो पांच हजार डॉलर हो आपको पांच डॉलर पे करने पड़ेंगे एज पर आई एंड मनी टू गेट योर मनी बैक डायरेक्टली इन टू योर बैंक अकाउंट दैट इज इट दिस इज द दर समरी ऑफ आप अपने यूएस स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आई वुड लव फॉर यू टू डू दैट बिकॉज एज आई सेड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट इट समथिंग जहां आप रुपी के डेप्रिसिएशन से एक्चुअली गेन कर सकते हैं एंड वेन यू ब्रिंग द मनी बैक दैट मनी इज ओनली गोइंग टू हेल्प इंडिया क्योंकि आप यहां टैक्सेस पे कर रहे हैं आप यही वो खर्चा करेंगे सो यू आर एक्चुअली यूजिंग योर मनी टू मेक इंडिया रिच इन अ वे बाय इन्वेस्टिंग इन द यू स्टॉक मार्केट और इन द यू लार्ज कंपनीज प्लीज डू दैट मैंने आई डी मनी यूज किया है आप कोई भी और प्रोडक्ट जो आपको पसंद है एंड आपके लिए काम करता है वो यूज कर सकते हैं एंड आई होप दैट द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू यू विल बी टॉकिंग अबाउट यूर सेल्फ प्राउड गूगल एमेजॉन फेसबुक और एनी अदर सच ब्रांड यू वुड लव उसके स्टॉक ओनर्स ऑन दैट नोट अंकुर ऑफ माई फर्स्ट बुक डू शिट इज नाउ आउट आई वुड लव for you to buy a copy of 2 Epic Shit on Amazon.com.